Archives of Prasar Bharati presents The Timeless Treasure of Golden Era. अपने घर से घर बचावे दूजे दा है ना चला अरे निजेर खे ओनेर मोष चोड़ाए निजेर घोर ना बचिए ओनेर घोर बचाते जाए मने गे उपकारे पूरी गे उपकारे हेलो संभालो अपने भोला ठाकुर को। अरे इसका नाम भोला ठाकुर निकाल कर शैतान ठाकुर कर दीजिए। अब ये भोला ठाकुर नहीं रहा जैसी इनकी हरकतें हैं। अब भोला ठाकुर वाली बात नहीं रही इनके अंदर। क्या बात है भैया, बोले चले जा रहे हो हमारे भोला ठाकुर का नाम बिगाड़ करके बार बार। वो क्या है? अरे होना क्या है, इस जनाब ने बॉल मारा है जिससे सर फूट गया है और शीशा टूट गया है। बॉल मारा है, सिर टूट गया है, शीशा फूट गया है, सबूत क्या है? सबूत सबूत है, बल्ला इसके हाथ में जो है, और बच्चे भी यही बोल रहे थे। बोलना बेटा अब। अरे हम क्या करते, उस ससुरा ने हमका बॉल ही ऐसी दी कि हम सिक्सर मारने पे मजबूर हो गए। अरे किसने बॉल दी बेटा? वो ससुरे विजय सिंधवानी ने। विजय सिंधवानी ने? तो ये तो चश्मदीद गवाहों ने तुम्हारे न बताया होगा ना। तो सारा कसूर उसका ना है, उसी से जाके भिड़ो सिंधवानी से। हाँ ठीक है, कल को बोलोगे उसको भी जाकर पकड़ो जिसने ये पार्क बनाया है। हाँ। जिसमें ये बच्चे खेलते हैं। हाँ तो कसूर उसका भी है। तो ठीक है फिर कल को जाके उसको भी पकड़ू जिसने ये बल्ला और वो बॉल बनाई थी। हाँ तो एक ही से क्यों नहीं जाके भिड़ते आप? अरे सारा कसूर उस मरे का है जिसने ये मुआ क्रिकेटवा बनाया है। हाँ। और का? तो ठीक है उससे भिड़ने के लिए तो फिर मुझे स्वर्गवासी होना पड़ेगा। तो जाओ ना, सारे मोहल्ले को शांति मिल जाएगी। भैया आधे घंटे से खिच 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 किए जा रहा हो, ये न बताया कि किसका सिर फूटा है, किसका शीशा टूटा, कहा हुआ किसको? अरे करनैल सिंह की वाइफ का सर फूटा है और साथ में शीशा भी टूटा है। अरे तो हम उनको सॉरी तो बोल दिए हैं। और क्या सॉरी बोल दिया, आप क्या जान लोगे बच्चे की? और भैया एक बात बताओ, तुमको क्या सिर फूटा, किसी का शीशा टूटा, किसी का चोट लगी, किसी को तकलीफ, आपको हो जा रही? अजी पड़ोसी हूँ उनका, आपका भी पड़ोसी हूँ, दर्द नहीं होगा क्या? अब आपका सिर फूटेगा तो क्या मुझे तकलीफ नहीं होगी? अरे सर फूटे आपका, इनका क्यों कुछ भी बोले जा रहे हैं? अरे बहुत हो चुकी तकलीफ भाई साहब, सुबह सुबह बोला करो। अच्छे पड़ोसी हैं भाई। अरे सिन्हा का सिर फोड़ने वाले मर गए, हाथ उठा कर तो देखो कोई। ठीक है आज आप बोल रहे हैं ना, कल को कुछ उल्टी सीधी बात हो गई तो भुगतना आपको ही पड़ेगा। बच्चा मत संभालना अपना, भुगतो भुगतो। लो संभालो अपने पुटड़ा को, देखो इसने क्या गुल खिलाया। बोलो क्या हुआ, क्या था बता। अरे क्या हुआ बड़ी? होना क्या था पापा, मैंने पहली बॉल कराई वो भोला ठाकुर जरा सा बच गया, फिर दूसरी बॉल कराई कैच आउट मिस हो गया, फिर तीसरी बॉल कराई एम्पायर ने LBW नहीं दिया, फिर जब मुझे गुस्सा आया और मैंने जब चौथी बॉल कराई उसने सिक्सर मार दिया। सुना सुना सुना। अरे वाह, अरे बस इतना सा बात पर मैं अपने पुटड़ का क्रिकेट खेलना बंद कर दूं? इतना सा बात, अरे उस बेचारी को कितनी जोर से चोट लगी है मालूम है? शीशा टूटा सो अलग, अरे खून बहा, देखा है आपने? ए साईं इतिहास गवाह है, लोगों ने महान बनने के लिए हमेशा अपना खून बहाया है। हाँ, लेकिन पड़ोसियों का नहीं। अरे साईं तुम समझता क्यों नहीं है, मुझे अपने पुटर को हिरवानी से भी बड़ा स्पिनर बनाना है। बन गया वो हिरवानी से बड़ा स्पिनर पार्क में खेलकर। नहीं नहीं उसको कल ही वेस्ट इंडीज के दौरे पर भेज देते हैं।
खर्चा तुम दे देना। अरे बाबा, टैलेंट शुरू शुरू में ऐसा ही तो डेवलप होता है, बड़ी पाड़क में, बड़ी गलियों में, बड़ी मिट्टी में लथपथ। तुम समझते क्यों नहीं हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मेरी बात को समझने की कोशिश करो सिंधवानी। अरे तुम क्या कहना चाहता है बाबा, ये आज तक तुम्हारी अपनी समझ में आया है क्या है? अरे बच्चा पाड़क में नहीं खेलेगा तो वही किधर जाएगा? माय डियर फ्रेंड, गुमसुम क्यों बैठे हो? गुरप्रीत आंटी की चोट लगी इसलिए? गुरप्रीत आंटी की बात अलग है दद्दू, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन हो जरूर जाएगा। भाई क्या हो जाएगा? हिंदी का टीचर मेरा ग्रेड खराब कर देगी। क्यों ग्रेड खराब कर देगी? आज हिंदी का क्लास टेस्ट था। फिर? टेस्ट में एक ऐसे लिखने को दिया। अच्छा, उसका टॉपिक क्या था? आलस क्या होता है। तो क्या तुमने तैयारी नहीं की थी? तैयारी तो पूरी थी दद्दू, मैंने एक शीट ली उसपे कुछ नहीं लिखा। अरे दूसरी शीट ली उसपे भी कुछ नहीं लिखा। क्या बात कर रहे? तीसरी शीट ली और उसपे भी कुछ नहीं लिखा? नहीं नहीं, उसके एकदम नीचे लिखा, यही आलस है। फिर तो तुम्हारी टीचर तुम्हारा ग्रेड डेफिनेटली खराब कर देगी। लेकिन इस बार पे क्यों करेगी? क्या कुछ नहीं करना आलस नहीं? ये? फिर दिक्कत क्या है? वो मैं आगे बैठा था ना नंदू, तो उसने क्या किया? नंदू को आता जाता तो कुछ नहीं है, उसने मेन चीटिंग मार के 3 शीटें ली और उसपे कुछ नहीं लिखा और मैम को थोप दी। अब मैम तो यही समझेगी ना कि मैंने उसकी नकल मारी है, मुझ पे चीटिंग का केस बना दे। तो मैं पूछती हूँ, आपको क्या जरूरत थी पराई आग में कूदने की? अरे किसे पराया कह रही हो तुम? तुम्हें जरा सी भी तकलीफ होती है ना तो गुरप्रीत और करनैल दीवार की तरह आकर खड़े हो जाते हैं तुम्हारी मदद के लिए, उन्हें पराया बोलती हो तुम? पर गुरप्रीत के लिए आपका किसी को उल्हाना देने जाना नहीं बनता, ये बात ठीक नहीं है। करनैल भाई साहब, किसी को कुछ कहें तो अच्छा भी लगे। करनैल, उस बेचारे से चींटी तो मारी नहीं जाती, किसी को क्या बोलेगा वो? करनैल के बस का नहीं है किसी को कुछ कहना। ना ना, लड़ाई करने के लिए आप जो रह गए, कितना शौक है लड़ाई मोल लेने का। अरे अगलों ने पकड़ के पहले आपका ही सिर फोड़ दिया तो? है हिम्मत फौजदारी करने की? अरे है कोई पुरखों की जायदाद की मुकदमेबाजी में लगा लोगे? तुम खाम खा राय का पहाड़ बना देती हो। आपकी बीवी ने ना राय का पहाड़ बनाना भी आप ही से सीखा है। कुछ नहीं सीखा तुमने, आज तक कुछ नहीं सीखा तुमने। ये चोट गुरप्रीत को लगी है ना, इसलिए ये सब बोल रही। अगर तुम्हें जरा भी चोट लगी होती ना तो पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेती। अरे असूल की बात है छोटी सी, कि बच्चों ने ये रोज का जो बवंडर खड़ा कर रखा है वो बंद होना चाहिए बस। बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, हमारे घर में भी है। हाँ, हमारे बच्चों की क्या मजाल जो ऐसी उल्टी सीधी हरकत करें। तभी तो वो सारा दिन आपसे बचता फिरता है, कभी अपने कमरे में और कभी सक्सेना साहब के घर। ओहो, आप कहाँ जल्दी है? टोक दिया ना तुम्हें, यही बहुत बुरी बात है जो हर बात पे टोका टाकी करती हो। अरे जो बुजुर्गों ने चीजें बनाई हैं वो सुपरस्टिशन नहीं है, सही बातें हैं वो। बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशकुन, अगर किसी ने छींक मार दी तो अपशकुन, अगर जाते हुए किसी ने टोक दिया तो भी अपशकुन। अब मैं जा रहा हूँ, किसी से बात करने जा रहा हूँ, अब वो बात में अगर वैसा वैसी हो जाए, हाथापाई हो जाए, मेरा सर फूट जाए तो फोड़ने वाला जिम्मेदार नहीं होगा, तुम होगी जिम्मेदार। हे मेरे भगवान, माफी चाहती हूँ, अब नहीं टोकूंगी। हाँ बिल्कुल मत टोकना, ये टोका टाकी एक बीमारी है मालूम है, और औरतों का मर्दों को टोकना और भी गलत बात है। इसी वजह से मर्दों कॉम्प्लेक्स रहते हैं, मर्दों कॉम्प्लेक्स रहेंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा, देश तरक्की नहीं करेगा तो हम 21st सेंचुरी में कंप्लीट कैसे करेंगे। अरे बाबा, मैं अपने कान पकड़ती हूँ, अब बस करो, नहीं टोकूंगी। नहीं वैसे एक बात है, जब तुम कान पकड़ती हो तो बहुत 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 अच्छी लगती हो। अब मैं जा रहा हूँ, टोकना मत। ओके, अब देखिए ना मल्होत्रा जी, बड़ी ये फकीर चंद कैसा बात करता है। अब बचा लोग को कमरे में बंद तो नहीं किया जा सकता ना, हैं? बचा लोग को खेलने के लिए तो चाहिए। अब बचा लोग पार्क में नहीं खेलेगा तो वरी जाएगा कहां? फकीर चंद जी, सिंधवानी ठीक कह रहा है, अब पूरे ब्लॉक में एक यही तो पार्क बचा है बच्चों के खेलने के लिए। हाँ, और उन बच्चों का करिश्मा तो आप देख ही चुके हैं, जब उन्होंने अपने छक्का मार के आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था। अब क्या करें, अब रोज रोज तो लोगों के घर जाया नहीं जा सकता उल्हाना लेकर, वो भी बच्चों का। अब शेखर को ही देखिए,
वो भी तो उसी पार्क में बच्चों के साथ खेलता है। अजी का है का पार्क, वो पार्क रह गया है। बच्चों ने तो उसे ओलंपिक का स्टेडियम बना दिया जहाँ सारे गेम एक ही जगह पे होते हैं। वो क्रिकेट वाला हिट करता है तो उधर फुटबॉल का गोलकीपर उसे कैच करता है, और अगर हॉकी वाला हिट करेगा तो उधर क्रिकेट का अंपायर उसे चौका अनाउंस कर देता है। ये कोई गेम है? और वो बैडमिंटन खेलने वाले वो शटल कॉक मारते हैं तो वेट लिफ्टर के वेट पे आगे गिरती है और वो वेट समेत गिर जाता है नीचे। कोई कायदा ही नहीं है, और जब तक कायदा नहीं होगा तब तक हम किसी मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। आजकल सही मुकाम पर पहुंच कर भी कौन से सही गोल हो जाते हैं। लो तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ मल्होत्रा जी, कि सोने के तमगे का भरा हुआ थैला तो कोई और ले जाता है, और हम अपने कंधे पर झोला लटकाए हुए मुंह लटकाए हुए वापिस आ जाते हैं। क्या खाओगे मुझे बताओ ना। कुछ नहीं खाना बस। बहुत दर्द हो रही है क्या? नहीं नहीं, अब तो आपने दवाई पिला दी, माथे पे हाथ फेर दिया, अब दर्द कहाँ और चोट कहाँ। पुरपड़ी से इतना बहता खून देखकर मैं तो घबरा ही गया था। मैं क्या गुरप्रीत गई। हाय सदके जाऊं, आप अभी तक मुझसे इतना प्यार करते हो। नहीं मैंने समझा, चलो मगरों रहेगी। अच्छा जरा ये गल मेरी तरफ मुंह करके कहना ना। एक बात पूछूं, आप चाहते हैं मैं जल्दी ठीक हो जाऊं तो आप मुझे इसे वाले ले चलो ना डॉक्टर ब्रह्मानंद के पास। की मतलब? आपको याद है शादी के बाद एक रात को मेरे कान में कितनी जोर से दर्द हुआ था? याद है। और सुबह आप मुझे डॉक्टर ब्रह्मानंद के पास ले गए थे। हाँ, और उसने एक दवाई की शीशी भी दी थी। हाँ, और उसने कहा क्या था? उसने कहा था सरदार जी अगर आपने अपनी घरवाली को जल्दी ठीक करना है तो कानों के लिए। कानों के लिए भूल गए ना क्या? उसने कहा था दवाई के साथ साथ कानों के लिए एक जोड़ी बुंदे भी बनवा दोगे तो आपकी घरवाली बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ये तो मुझे याद ही नहीं है। अब अगर आप मेरे माथे के लिए एक टिक्का बनवा दोगे ना तो देखना मेरे माथे की चोट यूं गायब हो जाएगी, और देखना डॉक्टर ब्रह्मानंद भी यही कहेगा। केड़ा ब्रह्मानंद? अब इसे वाल चलोगे ना तो सब कुछ याद आ जाएगा। कौन सा इसे वाल? अब ये ना बोल देना कौन सी गुरप्रीत। कौन सी गुरप्रीत? क्या मैं नहीं बोलती आपसे? इसे वाल नहीं चलना। आए कब चलोगे? बाय। चलो बेटा ध्यान से, आराम से देख। अरे हमार बच्चुआ को का होएगा? देखो देखो इसकी हालत। अरे ठाकुर साहब तने काओ तो देखो जरा भोला को क्या हो गया। काओ हमारे भोला का? अरे नहीं कौन की है बताओ हमका उसकी तो हम किसी ने कुछ नहीं किया सिना अंकल। फिर ये तो गया था क्रिकेट वा खेलने के लिए। खेल तो क्रिकेट ही रहा था। फिर क्या सचिन तेंदुलकर रिटायर जो होने वाला है तो आपका भोला ठाकुर ही तो उसकी जगह लेगा ना। लेकिन अंकल ये सब तो मैच के बाद हुआ। लेकिन हुआ क्या? दोनों कराटे एक्सपर्ट बनने चले थे। हाँ जी कराटे एक्सपर्ट, क्योंकि ब्रूस ली का रिप्लेसमेंट इंडिया में भी तो एक होना चाहिए ना। लेकिन दोनों कौन? दोनों दूसरा कौन था? वो सिंधवानी जी का बेटा विजय और अपने नन्हे ठाकुर। फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ? विजय जी ने कह दिया कि नन्हे ठाकुर तुम एक ही चाप में ईंट तोड़ सकते हो, तो बस जरा ठाकुर साहब को जोश आ गया। अरे उसने हमको ललकार दिया था पप्पा। हाँ? हम ठाकुर हैं। हाँ? हमको ललकारा। कमाल है। हमने भी एक हाथ मारा। एक हाथ मारा और भगवान ने उस ईंट की सुन ली और वो ईंट टूटने से बच गई, और साथ में ये इनकी हड्डी भी। बाप रे बाप। कलाई पर लगी है वैसे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अजी वो तो शुक्र करें कि हम लोग वहाँ मौजूद थे उस वक्त, तो इसे ले गए और अस्पताल में जाकर पट्टी करवा दी, वरना आपके ये भोला ठाकुर वहाँ मैदान में अंग्रेजी का जेड बने पड़े होते। बाबारे 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 बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अरे हमका क्षमा कर दिया, हम पता नहीं आपको क्या उल्टा सीधा बोल गए। आज ही सवेरे में हम उल्टा सीधा बोल दिए तुमको भैया, मतलब ये है कि माफ कर दो। माफ कर दो तो हमको माफ दे, माफी दे दे, माफी कर दो। अब दो चार साल तक माफी मांगते रहोगे या इसे दूध और हल्दी भी पिलाओगे? दूध 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 हल्दी। और सुनिए
हल्दी जो है वो घर की पिसी हुई हो। घर में पिसती तो हो तो हाँ, घर की पिसी हुई अगर नहीं हुई ना, बाजार की हल्दी में वो पाउडर मिला देते हैं हाँ। और पाउडर में कई बार पॉइजन होता है और वो पॉइजनस पाउडर जो है उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। समझती हो? बच्चे को फूड पॉइजनिंग हो गई तो 4-5 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। समझती हो? बेचारा क्लास में पीछे रह जाएगा। और सुनिए, दूध जो है वो अपने सामने गाय का दुहा के लाइए, वरना ग्वाले लोग जो है उसमें पानी मिला देते हैं और पानी जो होता है कई बार वो नाले का मिला देते हैं और नाले के पानी से टाइफाइड हो सकता है। और आजकल तो प्लेग भी फैला हुआ है, अगर ये बच्चा यहाँ पर प्लेग ले आया तो आप तो प्लेग से मरेंगे ही, पूरे मोहल्ले में प्लेग हो जाएगा। और एक बार अगर प्लेग हो गया तो पूरा मोहल्ला क्या करोगे? एक एक करके जाएंगे भाई। गाँव के यहाँ पे हमारे बाबू मर गए, रिप्लेसमेंट गवर्नमेंट कहाँ से करेगी? चुप करो बाबा, जाओ हल्दी को पिलाओ। मुझे हल्दी का दूध पिलाइए, मगर हल्दी घर की पिसी हुई होनी चाहिए, क्योंकि बाहर की हल्दी में पाउडर होता है, पाउडर पॉइजनस होता है। और कहीं मुझे तो मेरी तनख्वाह में से कटेगी, मैं ऐसी छुट्टियाँ लेने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ भाई। अरे कमाल है, चोट आपके बच्चे को लगी है, आप खामोश हो जाए। गाय भी खामोश हो जाए, एक तो काम की बात सुनाते हैं, ऊपर से आप रो क्यों रहे हैं? बैठी बैठी बैठी, कैसा स्वास्थ्य है बहन जी आपका? अब कुछ आराम है कि ना? अजी आराम ही आराम है के, पहले बेड पे आराम करते रहे हैं, अब सोफे पे आराम कर रहे हैं। हमारी तो मौजे ही मौजे हैं, पति और पड़ोसी पूरी परिक्रमा करते रहे हैं मेरी। अरे आप बताओ, आपके बेटे का क्या हाल है? ओ, उसके बाजू का क्या? ठीक जी, हम बहुत सॉरी है। लो, उस दिन भोला ठाकुर से बहुत गलती हो गया और भगवान ने उसे सजा भी दे दी उसी बखर। आप ऐसा क्यों सोचती हैं मिसेस सिन्हा? आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए मिसेस सिन्हा। आपके पुत्रा ने कोई जानबूझ के थोड़ी ना ऐसा किया, बच्चा है, बच्चा तो कभी शरारत करेगा तो कभी। बच्चा अब शरारत नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? अब आप अपना ध्यान रखिएगा, किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक रहिएगा, हमारे ठाकुर साहब पीछे नहीं हटने वाले। साईं आपको आराम दे कि किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े। अरे साईं ने तो मुझे आराम दे भी दिया, ये तो झट से मुझे इसे वाल ले गए डॉक्टर ब्रह्मानंद के पास, और जो चीज मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल भी गई। क्या? ये देखो सोने की टोकरी। अरे इसको माथे पे लगाते ही मेरे माथे की चोट यूं गायब। वाह रे डॉक्टर ब्रह्मानंद, और वाह रे मेरा इसे वाल। अयो, डोंट मेक ए जोक ऑफ देयर लव, देयर रियल लवर। गुरुप्रीत का माथे पे चोट लगता डियर तो मिस्टर कर्नल सिंह सोने का टिकड़ी बना के देता डियर। हाउ हेवनली, व्हाट अ डियरनेस, दे आर रियल लवर्स डियर। यस डियर, आपको भी एक टिकड़ी बना के दो ना। व्हाट, सोने का टिकड़ी डियर? यस, सोने का टिकड़ी डियर। ओके डियर, आपकी हमको डियरनेस अलाउंस मिलेगा ना, तब हम देखेगा डियर। रियल डियर? रियल डियर। मामा, बाबूजी आ गए। हाँ? तो तू जा, जाके खेल बाहर। खेल? हाँ। ये कोई खेलने का टाइम है? बाबूजी आ रहे हैं, डांटेंगे। तो जा ना, पढ़ाई कर, जाके जा। अरे अभी अभी तो पढ़ के आया हूँ, फिर पढ़ने जाऊँ? अरे तू जा, कुछ भी कर, जा यहाँ से। अच्छा, जा, ये ले जा, ये ले जा। अरे क्या हुआ था पराई? हमारी तबीयत बहुत खराब है ठाकुर साहब। तबीयत खराब हो गई? हाँ। क्या हुआ? हमारे दोनों पैरों में बहुत दर्द है। पैर में दर्द है? हाँ, और बाजू में भी, यहाँ से लेकर वहाँ तक। हाँ, यहाँ से लेकर वहाँ तक, पैर में, बाजू में। हाँ, और कान में भी। कान में भी? हाँ। बाप, ऐसा दर्द तो पहले कभी नहीं हुआ तुमको? नहीं। पटना में भी नहीं हुआ? ना। डॉक्टर सिन्हा को बुला? नहीं, सिन्हा को नहीं, तो ऑल इंडिया से कक्कड़ को बुला। अरे नहीं नहीं, ये कक्कड़ के बस का रोग नहीं है ना। तो
फैमिली डॉक्टर को बुलाऊं पटना से? फैमिली डॉक्टर को बुलाना है तो वो करनैल सिंह और गुरप्रीत का फैमिली डॉक्टर है ना, उसे बुलाइए। गुरप्रीत और करनैल का फैमिली डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर ब्रह्मानंद इसेवाल। इसेवाल डॉक्टर ब्रह्मानंद बहुत सियाना है, औरतों के महाराज खूब पहचानता है वो। गुरप्रीत के यहाँ से फोन नंबर लेके आओ जल्दी से। अभी? अभी अभी के अभी जाओ, नंबर लेकर आओ। हाय रे मेरे तीन दर्द, आए तीनों में से एक ही ठीक हो जाता। अरे बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे बेटा, वो माँ की तबीयत खराब है, दर्द हो रहा है पाँव में, हाथ में, कान में। तबीयत खराब है? अभी अभी तो हम ठीक छोड़ के गए थे। अभी अभी ठीक छोड़ कर गया था? भोला ठाकुर, कब की बात है रे? अभी जब आप आए उससे पहले की। अभी अभी तो हम ठीक ठाक छोड़ के गए। वाह वाह वाह, चल चल चल, तू बाहर चल, अभी हम अभी ठीक हो जाती हैं। क्या ये इसेवाल डॉक्टर ब्रह्मानंद की बीमारी है? हम ये कानों के झुमके, हाथों के कंगने और पाँव के बिछुए और कड़े वाली। साईं पता है गुरप्रीत कौर के माथे पे चोट लग गई है। अच्छा, बड़ी मुझे तो पता ही नहीं चला, तुम्हारा मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ। पर साईं पता है वो चोट ठीक भी हो गई है। चलो बड़ी, ये तो झूलेलाल का कृपा हो गया, अच्छा हो गया ना। लेकिन पता है वो चोट इतनी जल्दी ठीक कैसे हुई? अरे बाबा, अब मुझे क्या पता, बड़ी क्या जादू हो गया? पता है जादू क्या हुआ? अरे बाबा, पता है पता है पता ही करती रहेगी हैं, या कुछ बोलेगी भी, मुझे कुछ नहीं पता। गुरप्रीत कौर के माथे में जब चोट लगी थी ना, तो करनैल सिंह ने उसको माथे की सोने की टिकड़ी बनवा के दी थी और गुरप्रीत ठीक भी हो गई। अच्छा अच्छा, मेरे को भी टिकड़ी बनवा के दो ना सोने की। अरे टिकड़ी का क्या बात करता है, मैं तेरे को बड़ी सोने का इतना बड़ा टिकड़ा बना के देगा, पहले तेरा माथा तो फूटे। कही है बड़ी देर से फोन है। शेखर, लगता है बाहर कोई एक्सीडेंट हो गया। कितने दिन बाद में फोन करा? सो देखिए देखिए भगवान सभी को। सुनिए, बाहर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? हाँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं एक्सीडेंट देखने जा रहा हूँ। आप देखना, सिर्फ कुछ करना नहीं। अच्छा अच्छा, मैं भी आया। प्लीज को मत आता जाने से, मत लगाने से। ये सब कैसे हुआ? पापा बच्चे पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे, कुछ बच्चे अपने स्क्वायर के थे, कुछ सामने वाले। फिर वो भाई साहब सामने से स्कूटर पर चले आ रहे थे, किसी बच्चे ने हिट लगाई और फुटबॉल उनका सीधा हेलमेट पर जा लगा, और हेलमेट पर लगते स्कूटर का बैलेंस बिगड़ गया और सीधा फुटपाथ की साइड से जा टकराए। ज्यादा चोट तो नहीं आई? हो सकता है, क्योंकि हेलमेट तो पहले ही गिर गया था और सिर सीधा जाके दीवार से लगा। आए, आए, बस यही है ना, वो हेलमेट चोट से बचने के लिए पहना जाता है, ना कि पुलिस के चलान से बचने के लिए। यार मौका पे मौका तो देख लिया कर, हर बात पे शुरू हो जाते हो। एम्बुलेंस बुलाई क्या? हाँ हाँ, मैंने बुलवाई और जल्दी आ भी गई थी और ले भी गई। शुक्र है भगवान का एम्बुलेंस टाइम पे आ गई, वरना पता नहीं उस बेचारे आदमी का क्या होता। हम चले पीछे अस्पताल क्या? और नहीं, पहले उसके घर वालों को इन्फॉर्म करो, उनको तो पता ही नहीं होगा बेचारे के साथ क्या हो गया। ओ पता नहीं बेचारा किस काम से आ रहा था या पता नहीं किस काम के लिए जा रहा था। सरदार जी, उसका नाम पता पूछा था? नाम पता कैसे पूछते, वो तो टकराते ही बेहोश हो गया। अरे बाबा, अब तो बड़ी पुलिस आएगा तभी पता चलेगा ना, स्कूटर का बीच में से कोई पर्ची निकलेगा तो। अरे सिंधवानी, पुलिस आएगा तो बहुत कुछ करेगा, सबसे इंक्वायरी करेगा और सबसे पहले तो ये पूछेगा कि किस बच्चे ने फुटबॉल पे किक मारी थी। तभी तो सारे बच्चे डर के मारे भाग गए हैं। बस अब यही है ना, अगर बच्चे डर के मारे रात को घर वापस ना पहुंचे तो, और उन्होंने कुछ सोचकर कुछ गलत कर लिया तो। क्या गलत कदम उठा लेंगे यार तू भी? और तू नहीं जानता, अगर किसी बच्चे ने ये सोच लिया कि पुलिस को शक उसके ऊपर है तो पता नहीं वो क्या कर बैठे, और अगर वो रात को वापस ना गया तो उनके माँ बाप की तो बुरी हालत हो जाएगी। आज पता नहीं किसकी बारी है। तुम्हें कुछ आइडिया है कि बच्चे कहाँ जाकर छुपे होंगे? कुछ बच्चे जो सामने वाले स्क्वायर से आए थे वो तो उधर ही भाग गए,
और कुछ बच्चे झाड़ियों में छुप गए और कुछ स्कूल की दीवार फांद करके चले गए। देखा, अब वो झाड़ियों में छुपे हैं, झाड़ियों में कुछ बिच्छू हुआ, कुछ सांप हुआ, दीवार फांद के गए होंगे तो दीवार से कहीं टांग वांग टूट गई तो। सरदार जी, आप जरा इनके साथ जाइए और जाके जरा पता लगाइए। अजी क्या देखेंगे मल्होत्रा जी, अरे इस पार्क को तो टैलेंट डेवलप करने की नर्सरी बना दिया है लोगों ने। एक वो हिरवानी इन द मेकिंग है जिसने गुरप्रीत का माथा फोड़ दिया, और एक ये ब्रूस ली के वारिस जिन्होंने अपनी कलाई को अपने गले में उलझा लिया है, और एक ये नए पैदा हुए पेले जिन्होंने ये नया पंगा डाल दिया। पता नहीं उस बेचारे की क्या हालत होगी, उसके घर वालों को तो पता भी नहीं है, और जब उनको पता चलेगा तो पता नहीं उनकी क्या हालत होगी। जो होना सो हो गया, बंदा इसमें क्या कर सकता है यार। हाँ, बंदा कुछ नहीं कर सकता, बंदा तो सिर्फ मर सकता है। ये सारे फसाद की जड़ जो है ना, ये पार्क है, तो ये पार्क उठाकर जुपिटर पे भेज दो। अगर जुपिटर से जाके कोई कॉमेट टकरा गया ना, तो बड़ी ये फकीर चंद वही बोलेगा कि वहां भी जाकर बच्चों ने उधम मचाया होगा। इस पार्क का तो अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अपने घर से घर बचावे दूजे दा रिथ है ना चला। अरे निजेर खे ओनेर मोष चोड़ाए, निजेर घोर ना बचिए ओनेर घोर बचाते जाए। मने गे उपकारे पूरी गे उपकारे, यो फिकर चंद जी।